जी सर, नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद सुमित जैन। दोस्तों, एक आज बहुत बड़ा पैनल आपके सामने दिख रहा है आपको। कुमार राकेश जी पहली बार हमारे शो के ऊपर आ रहे हैं, इनका इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, आपने इनको कई चैनल्स पे देखा हुआ है। राकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के थैंक लिए। यू सर, धन्यवाद। राकेश जी, मेरा जो सीधा एक क्वेश्चन है जो बहुत लोग पूछते हैं हम लोगों को, क्योंकि आपने जी मोदी जी को देखा है, मोदी जी की पहले की जो सरकारें हैं तब भी देखी हैं, आपको जो सबसे बड़ा फर्क है 2014 से पहले और बाद में, पीएमओ के अंदर भी और जो ब्यूरोक्रेसी है उसमें क्या फर्क दिखता है आपको? देखिए, मैं 1990 से दिल्ली 89 से मैं दिल्ली में हूं, और 1990 के बाद जो पॉलिटिकल ब्यूरो में मैंने काम करना शुरू किया 91 से, और पंचोली जी के प्रदेश भोपाल से शुरू किया, नई दुनिया अखबार से, तब से लेके आज तक जो मेरा करीब 34 साल का यहाँ का कैरियर है, 35 साल का, यानी 89 से जोड़े तो 34 ईयर्स, 2 साल, ढाई साल बिहार का, करीब 36-37 साल हो गए। इसमें हमने उसके साथ में राजस्थान भी देखा, मध्य प्रदेश देखा, यूनाइटेड मध्य प्रदेश देखा, अब छत्तीसगढ़ भी है। तो आप कहाँ, जहाँ तक केंद्र सरकार की राजनीति की बात करें, काफी कुछ बदला है। यदि 2014 के पहले के भारत और आज के भारत की बात करें तो बहुत कुछ बदला है। कुछ चीजें अच्छी भी हुई हैं, कुछ चीजें अच्छी नहीं हुई है, कुछ और अच्छी होने की कोशिश में है। उस परिप्रेक्ष्य में यदि हम बात करें तो आप को लगेगा कि काफी कुछ बदला है। जो पीएमओ ब्यूरोक्रेसी की बात कर रहे हैं, एक यूनिफॉर्मिटी आई है, एक राजनीति और ब्यूरोक्रेसी में जो तारतम्यता नहीं होती, ब्यूरोक्रेट जिस तरह से बेलगाम थे, जो मन होता था करते थे, जिस पर एक कभी यस मिनिस्टर सीरियल बना था, बीबीसी ने बनाया था, यदि आपने देखा हो, कि बेचारा मंत्री जो मंत्री है, ब्यूरोक्रेट जो है, वही सरकार चलाते थे। आज ऐसा बिल्कुल नहीं है, पहला बदलाव। दूसरा, जो एक ध्रुवीकरण और केंद्रीकरण था वो चेंज हुआ है। तीसरा, कि जो कैबिनेट के डिसीजंस होते थे, यदि आप इतिहास को उठाकर देखें, भारत का कोई पत्रकार आपको इस लाइन पर नहीं बताएगा, क्योंकि मैंने कैबिनेट भी कवर किया है, पीएमओ, होम मिनिस्ट्री, राष्ट्रपति भवन कवर किया है, कई देशों की यात्रा की है, मैं आपको उसमें सूक्ष्मता से बताना चाहूंगा, क्योंकि वक्त कम है, हम अगले बार फिर विस्तार से हम बात करेंगे। तो जो जो ब्यूरोक्रेसी की एक दशा, दिशा, चेहरा, चरित्र और चाल, तीनों बदला है, लेकिन अभी भी कुछ मोल्स हैं ब्यूरोक्रेसी में जो कि मोदी सरकार को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ तो रिटायर कर गए, मैं नाम दे सकता हूं, कुछ अभी भी हैं, चाहे वो भारत के खिलाफ चाइना या पाकिस्तान के मुद्दों को घुसेड़ कर, लपेट करके भारत का नुकसान पहुंचाने की कोशिश हो। जैसे हाल में आप देखा कि भारत के मीडिया में भी कुछ चीन के जो फंडिंग वाले थे, न्यूज क्लिप को लेकर के जो कार्रवाई हुई है, जो भी हुई है, तो कोई भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ऐसे कार्रवाई नहीं करती भारत की, आपको लेकर के, हमको लेकर, या पंचोली जी लेकर, कोई नहीं बोलता, क्योंकि हम राष्ट्रवादी हैं। तो राष्ट्रवादी है तो हम राष्ट्र की भावनाओं को समझते हैं, देश की भावनाओं को समझते हैं। तो हमारे सामने है कि राष्ट्रवादी हम हैं, तो सामने में कोई भी दिखेगा, सरकार में हो, सरकार नहीं हो, उसके उसके खिलाफ हम कुछ भी कर सकते हैं। ये मेरा राष्ट्रवाद का अपना प्रण है, अपना तत्व है। तो जो आपने कहा कि बदलाव, काफी बदलाव हुआ है, और इसको हम इतने समय में लपेट नहीं सकते, लेकिन एक कम से कम जो उत्तरदायित्व बढ़ा है और थोड़ा सिस्टम अंदर बदला है, लेकिन जो एक जिम्मेवारी का भाव बढ़ा है, और आपको कई ऐसे ब्यूरोक्रेट राजनेता की तरह बात करते मिलेंगे जिसमें कि जिम्मेवारी का भाव दिखेगा आपको। चलिए राकेश जी, बिल्कुल आपने सही बात बोली है कि यस देयर इज अ डिफरेंस। एंड मैं क्योंकि खुद भारत से बाहर रहता हूँ, तो मेरे भी था कि हम एक बदलाव देखते हैं भारत में, लेकिन क्या वो बदलाव जो है वो ब्यूरोक्रेसी में भी आया है? बड़ा अच्छी तरह से बताया आपने। अब बात करते हैं, पिछली बात कर ली हमने, बात करते हैं 2024 की। आपको क्या लगता है कि मोदी जी का क्या विजन है 2024 के लिए, और क्या ये जो ए इंडी अलायंस बना है इसको मात दे पाएगी मोदी सरकार? क्योंकि जो अभी टीवी चैनल्स के ऊपर दिखाया जा रहा है उसमें तो दिखाते हैं कि भाई एक चमत्कार करना पड़ेगा मोदी जी को, अदरवाइज बड़ा मुश्किल है। अब देखिए, आप चाइना में बैठ करके भारत की बात कर रहे हैं, लेकिन आप भारतीय हैं, अच्छी बात है, और उस तरह से आप बने रहिए, मेरी ये शुभकामना है। मुद्दा ये है, ठीक है, कोई कहीं भी रह सकता है, भारत के विश्व के किसी कोने में, हम तो ग्लोबल विलेज की बात करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, हमारा थ्योरी, हमारा सिद्धांत, हमारी नीति। रही बात जो आपने 2024 की बात कही, 2018 में मेरी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी से बात हुई थी, मुलाकात हुई थी, तो हमने कहा था 2019 भी अपना है, 2024 भी है।
चूंकि वो प्रधानमंत्री है, देश के निर्वाचित हैं, तो हमारे अपने हैं, इसके लिए कौन क्या बोलता है मुझे उसकी कदई चिंता नहीं है, कौन क्या मुझे बोलता है उसकी मुझे कोई परवाह नहीं है, चूंकि विश्व के सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय नेता जो मॉर्निंग स्टार है, यूएस एजेंसी ने रेटिंग दी कि वो G7 के जो कंट्री है उसके अलावा जो यूरोपियन कंट्री है उससे भी लोकप्रिय नेता हमारे नरेंद्र भाई मोदी है हर मामले में, उसमें कोई गुरेज नहीं, कोई शक नहीं। रही बात आपने 2024 की बात कही, मैं वार्ता को थोड़ा सा संक्षिप्त कर रहा हूं कि सरकार यही बनेगी, मोदी जी की सरकार बनेगी, भाजपा की सरकार बनेगी, प्रधानमंत्री मोदी होंगे, उसके बाद का जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि उन्होंने इतना काम किया है, जो पैसे राजीव गांधी ने 1987 में बात कही थी 1 रुपया 15 पैसे पहुंचता है, आज 1 रुपया का 1 रुपया सीधे बेनिफिशियरी को मिल रहा है, और सोचिए इसके बीच में जो 85 पैसे का कट था कहां जाता था, कौन बेशर्म, चाहे वो कांग्रेस के लोग हों, चाहे बीच में जिन पार्टी के लोग हैं, बताने की कोशिश करेंगे 85 पैसे का हिसाब देंगे कोई, या तो सीधा का सीधा जा रहा है अकाउंट में, कोई बीच में कट नहीं है, 6000 किसी को 2000, 2019 का भी चुनाव कवर कर रहा था उत्तर प्रदेश में, कहानियां कहने के लिए बहुत कुछ है, इटावा पंचोली जी को पता होगा मुलायम सिंह का क्षेत्र है एटा, वहां पे 3 के 4 किसान भाइयों को मैंने सीधा इंटरव्यू किया, उनके आंखों में आंसू हो गए कि राकेश जी मैं यादव हूं, मैं मुलायम सिंह यादव को इतने सालों से वोट दे रहा हूं, लेकिन मेरे अकाउंट में आज तक 2 रुपये नहीं आए, और आज मोदी जी हमारे पार्टी के नहीं है, उनके रहते हुए किसान थे, किसान है वो, सारा रिकॉर्ड डाटा हमारे पास है कि 2000, 5000, 6000 अकाउंट मारे, लगता है सरकार है कि चमत्कार है, कैसी सरकार है ये, मैं फैक्चुअल बात कर रहा हूं। उसी दिन मैंने कहा था कि मोदी जी फिर आएंगे, और आज मैं कह रहा हूं युवाओं को लेकर के, डिजिटल इंडिया को लेकर के, अपने रक्षा क्षेत्र में, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में, विश्व के में सबसे ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर रोड का काम तेजी से चाइना को भी मात कर दिया भारत ने, बनने बनाते हैं हम 30 किलोमीटर 32 किलोमीटर, जो पर डे 3-4 किलोमीटर सड़क बनती थी वो 30, 32, 35, 40 बन रही है, ये कैसा चमत्कार है। मैं अभी 3 वर्षों में हरियाणा के इधर या मध्य प्रदेश में, पंचोली जी बताएंगे, या मैं जहां जहां अभी घूमा हूं, अरे यहाँ रोड ऐसा रोड बन गया जहां जाने को सोचते नहीं थे कि रूट से जाएंगे क्या। अभी मैं हरियाणा ऐसे गया ड्राइव करते हुए, जिस रास्ते में 5 घंटे लगते थे 45 मिनट भी नहीं लगा, यहां से रोहतक 3 घंटे लगते थे, आप 1 घंटे में पहुंच जाएंगे दिल्ली से। और अभी हमारे नितिन गडकरी जी जो है केंद्रीय राजमार्ग मंत्री हैं, उन्होंने कहा है 2 घंटे में देहरादून, 2 घंटे में आपका जयपुर, 2 घंटे में चंडीगढ़ आप पहुंचेंगे, और होने वाला है, हो रहा है, ये क्या हो रहा है, मोटल की कंसेप्ट नहीं थे, अमेरिका को देखते थे, हम तो कई कई मोटल बनेंगे, रोजगार पैदा होंगे, रोडवेज पे लोग बढ़, लोग अभी लखनऊ दिल्ली लखनऊ लोग सोचते नहीं थे। ऐसे कई काम है जिसको दिख रहा है फिर भी कोई इंडी या सो कॉल्ड इंडिया दैट इज नॉट अवर वर्जन, क्योंकि इंडिया दैट इज भारत नहीं, मैं भारत दैट इज इंडिया फॉर द टाइम बीइंग बोलता हूँ, क्योंकि भारत के संविधान के प्रीएम्बल में जो इंडिया शब्द का लिखा गया था, जो संविधान निर्माताओं ने लिखा था कि कुछ वर्षों के लिए इसको रख लेते हैं, हालांकि दैट वाज कंसेप्ट बाय द पंडित कहे जाने वाले नेहरू जी का था, लेकिन हमें भारत ही नाम था, और भारत के मूल संविधान को देखें, जो अभी हल्ला कर रहे थे अधीर रंजन चौधरी जब नए संसद में गए कि हमको गलत संविधान पकड़ा गया, अरे भैया वाकई मूर्ख है, जो मूल संविधान था उसमें सोशलिस्ट सेक्युलरिस्ट था ही नहीं, उसको तो नानाशाही के दौर में 1976 में 42वां संशोधन करके माननीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने जबरदस्ती देश के ऊपर थोपा था, हमारा तो नेचर ही नहीं है सेक्युलरिज्म, अब तो पहले सोशलिस्ट है हम, तो सर्वधर्म समभाव पहले से बात करते हैं, वैदिक की बात तो आपने उसको किया था, तो अधीर रंजन चौधरी को कहां से मिल जाता वो संविधान, जो पुराना संविधान में तो था ही नहीं, वो तो 76 के बाद आया, तो वो बेचारे तो मोदी जी का जादू देखिए कि उनकी बात को अधीर रंजन चौधरी बोल रहे हैं, और वो अकेले के दुश्मन, उनको पता ही नहीं है क्या बोल रहे हैं, उस संविधान को देखेंगे तो पूरा नंद लाल बोस जैसे चित्रकार की पेंट है उसमें, पूरी रामायण, पूरी हमारी भागवत, उस सारे चित्र अंकित है उसमें,
रविशंकर प्रसाद कानून मंत्री थे, तो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, सबको दिखाया था जो मूल संविधान है जिस तरह लिखा गया, सबके सिग्नेचर है उसमें, सभी दलों के जितने नेता थे। लोग अंबेडकर अंबेडकर की बात करते हैं, अंबेडकर एक उपसमिति के थे, अंबेडकर ने संविधान नहीं बनाया, हाँ संविधान सभा के एक उपसमिति के अध्यक्ष थे, लेकिन जातिवाद के नाम पे जो देश के लिए कलंक है, आरक्षण देश के लिए कलंक है, ये दोनों देश को कहां रसातल मिल जा रहे हैं, सोचने की बात। बिल्कुल सही बात करें आप। अभी जो चुनाव होने वाले हैं 5 राज्यों के, उसके बारे में आपका एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान के बारे में क्या विश्लेषण है? देखिए मध्य प्रदेश में आप तो रहते हैं पंचोली जी, आप हमारे जो अखबार की दुनिया के विज्ञापन जगत के बड़े हस्ती हैं और आप दोनों मर्म को समझते हैं। आप ग्राउंड रियलिटी में अभी गया हूँ एक दो बार, लेकिन आपको अभी जो है सबसे बड़ी बात है, अभी तक कहीं आपने नहीं सुना होगा कि जो कमलनाथ है कांग्रेस के सबसे धनी, विश्व के सबसे धनी नेता, जिनके अभी रिकॉर्डेड की बात करें उनसे बड़ा धनी कोई नहीं है, क्लेम भी किया थे, मंत्री थे तब भी उन्होंने 5 साल में उनका जो उनकी पूंजी बढ़ी थी 20 गुना रिकॉर्डेड है, तो उन्होंने कहा मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, कई कारण है उसके, कभी हम उस पर विवेचना करेंगे। तो शिवराज के लिए और बीजेपी के लिए तो खुशी होने की बात है, चूंकि फंड है नहीं और कितना पैसा लगाएंगे आप, चूंकि यदि कहा जाए तो कमलनाथ जी अपने आप में नॉवल है, एक उपन्यास है, उनकी हिस्ट्री को देखा जाए तो उनसे बड़ा स्कैंडल तो विश्व में हो ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी कांग्रेस में इसलिए सब कुछ माफ है, उसमें कुछ नहीं कह सकते हम। तो मध्य प्रदेश में तो मामला लग रहा है कि कमलनाथ ने जो वॉकओवर दे दिया, छत्तीसगढ़ में मामला ठीक नहीं है क्योंकि बीजेपी ने ढंग से ये किया नहीं, केंद्रीय नेतृत्व किसी नेता को भरा नहीं, और राजस्थान में जो है वसुंधरा राजे हैं या गजेंद्र शेखावत हैं या अर्जुन मेघवाल है, जो भी है, अभी केंद्रीय नेतृत्व ने एक चाल चली है कि केंद्रीय नेताओं को वहां लड़वाना, तो एक साथ दोनों काम हो जाएगा, जिनका कद बढ़ रहा है वो छोटा हो जाएगा और जो वहां के लोग हैं वो राज में जाएंगे, एक नया नेतृत्व उभरेगा, हो सकता है नरेंद्र भाई मोदी की एक नई नीति हो पार्टी और संगठन को बढ़ाने के लिए या चलाने के लिए। और राकेश भाई आपने देखा जैसे आपने बताया सारा कुछ कि लोगों के खातों में डायरेक्ट बेनिफिट जा रहे हैं और इसका फायदा भी कहीं ना कहीं लोगों को मिलता भी है और देखते भी हैं हम लोग, लेकिन हम साथ में ये भी देखते हैं जैसे आम आदमी पार्टी है वहां पे जो भ्रष्ट लोग थे उन्हें क्षमा चाहूंगा, मेरे पास सिर्फ 2 मिनट है, 9 बजे लास्ट क्वेश्चन जी, फिर लास्ट क्वेश्चन आधे घंटे के बाद हम रिकॉर्ड कर सकते हैं आपको टाइम सूट करे, कोई दिक्कत नहीं। जो आम आदमी पार्टी है, आम आदमी पार्टी वालों ने बोला कि भाई ये तो वैंडलिज्म है आपने, क्योंकि बीजेपी हमसे डरती है और हम इतनी बड़ी पार्टी बन गए हैं तो इसलिए हमारे साथ ये काम कर रहे हैं, क्या बोलेंगे आप कि जब भ्रष्टाचार भी करेंगे और ईडी और सीबीआई से जब इनके दरवाजे पे पहुंचती है, पहले ललकारते भी हैं ये कि आप आके देखिए दिखाइए, जब आ गए तो रोना शुरू कर दिया। सुमित जी, ईडी सीबीआई आज पहली बार मोदी सरकार ने नहीं बनाई है, भारत के संविधान के ढांचे के तहत वर्षों से बना हुआ, 75 वर्षों से बना हुआ है ना, उन्होंने काम करना शायद 8-9 वर्षों में शुरू किया है, पहले वो बेचारे टट्टू हुआ करते थे, ठीक है ना, तो ये सोचने की बात है। और सीबीआई के कारण सीबीआई को डिफंक्ट किया गया था, आपको जान का आश्चर्य होगा कि संवैधानिक अधिकार नहीं सीबीआई को थे और है, जो कि एनआईए को दिया गया, इसलिए एक नई एजेंसी बनी एनआईए, जो सीबीआई के पास कई ऐसे वैध और कानून अधिकार नहीं थे, वो भी पहले तोता कहा जाता था कांग्रेस का, आज कांग्रेस वाले तोता बोल रहे हैं, ठीक है, उनके जो आरोप है मैं उसका सीधा जवाब दे रहा हूं। तो मुद्दा ये है कि भाई पंचोली जी या सुमित जी या कुमार राकेश या अन्य लोग हैं, आप पार्टी में 67 विधायक है या 64 है, तो सबके खिलाफ क्यों नहीं गई ईडी सीबीआई, चुन करके 4-5 लोगों के खिलाफ क्यों जा रही है, भाई काम तो लोग कर ही रहे हैं, ये सोचने की बात है। तो जो ये आप पार्टी है, आप पार्टी तो पाप पार्टी हो चुकी है, बेचारे ये अन्ना हजारे माथा पीट के रो रहे हैं कि उनका बयान भी आया कि मैंने कैसे गधे को, कैसे मूर्ख को, कैसे पापी के सर पे मैं हाथ रखा, शायद ईश्वर मुझे माफ नहीं करेगा। जो व्यक्ति यदि देख लिया जाए पिछले 8-9 वर्षों में, गूगल उठाइए, 200 से ज्यादा झूठ मिलेंगे अरविंद केजरीवाल के, 200 लाइज ऑफ अरविंद केजरीवाल टाइप कीजिए, अंबार लग जाएगा कितनी बार झूठ बोला, जो अपनी माँ का नहीं है, बाप का नहीं है, पहले बच्चों का नहीं है, वो देश का कहां से हो सकता, चलो अब उसको ऐसे पलट लेते हैं, आप जो बोले आपने नहीं किया, शीला दीक्षित के खिलाफ बोला जेल जाएगी, उसके गोद में जाके बैठ गए, आपने कहा कि भाई ये कांग्रेस सोनिया गांधी करप्ट है, इसको जेल में बंद करो,
फिर जाके इंडिया बैठ गए। संजय सिंह तक कल तक ब्लैक मार्केटर कहे जाते थे, सुल्तानपुर में टिकट बांटने वाले को आपने चुन चुन के ऐसे ऐसे लोगों को रखा जो कि आपसे मीन माइंडेड है, कमजोर है, कमजर्फ है। हमारा बेचारा आशुतोष पढ़ा लिखा पत्रकार था, उसको बुलाया, उसको इस्तेमाल किया, बेचारा बाहर जाना पड़ा। जस्टिस हेगडे बाहर चले गए, किरण बेदी बाहर चले गए, प्रशांत भूषण ने पैसे लगाए वो बाहर चले गए, मतलब जितने टैलेंटेड लोग आए सब लोग को इसने बाहर का रास्ता दिखा दिया। कितने लोगों ने, साजिया इल्मी, अश्विनी उपाध्याय, लंबी सूची है। लोग आए थे अच्छे विचारों से कि देश में एक बदलाव आएगा, एक ईमानदार सरकार आएगी, एक, लेकिन इसने अभी भी बेशर्मी की तरह बोल रहा है ठीक हमारे कट्टर ईमानदार सरकार। चोरी पकड़े जाने के बाद भ्रष्ट, सोचिए कितना बड़ा पापी है। ऐसे लोग जल्दी जाते नहीं धरती से, ईश्वर जानता है हमारी जो भारत की संस्कृति है, जो वैदिक संस्कृति है, बड़े जल्द ऐसे ऐसे नहीं मरते, ऐसे जाते नहीं धरती से। भगवान ने करे, मैं नहीं चाहता वो मरे, लेकिन उनकी जो भावनाएं हैं, जो विचार है, राष्ट्र के प्रति नहीं है, राष्ट्र विरोधी है, समाज विरोधी। राकेश जी थैंक यू सो मच, मुझे मालूम है आपको किसी शो में जाना है, किसी और टाइम इसको बात करेंगे, अभी विराम देते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद सर।